आपने जो है ब्रश कटर को स्टार्ट कैसे करना है, यहां से देख सकते हैं आप, यहां पे एक ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो ओ लिखा हुआ है इसका मतलब है ऑफ, और ये जो आई जैसा दिख रहा है इसका मतलब है ऑन। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑन ये ऑफ। अब ये बताना चाहूंगा मैं, ये इसका एक्सीलरेटर है, देखिए एक्सीलरेटर प्रेस नहीं होता है, उसके लिए ये पीछे लॉक दिया हुआ है। इसको हम हाथ से यूं पकड़ते हैं, इससे हाथ को यहां से पकड़ेंगे तो ये प्रेस हो जाता है। अब एक्सीलरेटर प्रेस होगा, ये देखिए, अगर ये प्रेस नहीं होगा तो एक्सीलरेटर लॉक हो जाता है, ये प्रेस नहीं होता है। तो हम इसको यूं पकड़ेंगे और इस तरह से इसको चलाएंगे। और दोस्तों ये जो आपको लाल बटन दिख रहा है ये होता है एक्सीलरेटर को लॉक करने के लिए। आप इस तरह एक्सीलरेटर प्रेस करके ये दबाएंगे तो एक्सीलरेटर जो है आपका लॉक हो जाएगा। आप फिर से एक्सीलरेटर को दबाएंगे तो ये छूट जाता है लॉक। ये देखिए, यूं करके आपने इसको दबा के एक्सीलरेटर छोड़ देना है तो एक्सीलरेटर लॉक हो गया। और अगर एक्सीलरेटर को हल्का दबाएंगे तो ये छूट जाएगा। ये देखिए एक्सीलरेटर छूट गया है। तो दोस्तों सबसे पहले ऑन करने के लिए मैंने आपको बताया ये बटन हमेशा ऑन होना चाहिए, आई की तरफ को ये बटन ऑन है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए, ये पीछे देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए, ये इसकी चोक है, ऊपर को जो है इसकी चोक ऑन है, नीचे को इसकी चोक ऑफ है। देखिए जब स्टार्ट करना होता है हमें सुबह फर्स्ट टाइम, तो आप इसको चोक में डालिए, फिर इस रस्सी को खींच सकते हैं, और फिर जब आपका स्टार्ट हो जाएगा इंजन तो इसे वापस कर दीजिए। अगर आपका इंजन गर्म है तो आपको चोक लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप फर्स्ट टाइम सुबह स्टार्ट कर रहे हैं और ठंड है तो आपको ये चोक लगाने पड़ेगी, रस्सी खींचने पड़ेगी और ये वापस करना पड़ेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये है इसका पेट्रोल टैंक, तो हमें पेट्रोल जो है यहाँ से डालना है, इस जगह से पेट्रोल डालना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि टू स्ट्रोक इंजन है तो इसमें हमें पेट्रोल के साथ टूटी जो है वो डालनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों पेट्रोल डालने से पहले हमें इसमें टूटी ऑयल डाल देना है। वैसे आप मेजर उससे कर सकते हैं टूटी ऑयल का, पर हम ऐसे ही डायरेक्टली डाल दे रहे हैं टूटी ऑयल। दोस्तों हमने इसमें टूटी ऑयल डाल दिया है, अब हम जो है इसमें पेट्रोल डाल रहे हैं। तो ये देखिए हम यहां से पेट्रोल डालेंगे इसमें, सबसे पहले यहां देखिए, ये नीचे आपको एक इस तरफ से दिखिए, इस तरफ से दिखेगा ये नीचे आपको, ये एक उभरा सा पार्ट दिखेगा, रबड़ का है तो होता है ये पार्ट, ये पोर्शन, इसको हम प्रेस करेंगे उंगली से, ऊपर नीचे करना है हमें इसे। ये देखिए इस तरह से प्रेस करेंगे हम इसे, तो ये ऑयल की स्प्राई यहाँ पाइपों में दिखेगी, आपको देख सकते हैं आप पाइपों में ऑयल की स्प्राई दिख रही होगी, और ये भी इसमें भी पेट्रोल दिख रहा होगा आपको। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पेट्रोल दिख रहा होगा आपको। अब तो हमने इसकी ऑयल सप्लाई चालू कर दी है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए चोक जो है इस चोक को ऊपर कर देना है, यहाँ पे रख देना है, और ये देखिए ये ऑन बटन है वो मैंने आपको पहले बताया, ऑन कर देना है। अब हम इसको इस तरह से यहाँ पे हाथ रख के इस रोप को खींचेंगे, तो हम इसको इस तरह, दोस्तों हमारा इंजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है।